I've fallen in love with I Love. I love you. El bole, wow. वो अमृता की पसंद नापसंद बता दोगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। उसे डॉग्स बहुत पसंद है और लोटस उसका फेवरेट है। और फिर मैंने तुम्हें बताया था। मेरी प्यारी स्वीटी, आज मेरी मदद कर दे। वो जो पिंक सूट में आ रही है ना, वो तेरी भाभी है। तुझे उसे जाकर रोकना है। तुझसे और तेरे भाई बहनों से उसे बहुत प्यार है। वो तुझे उठाएगी और तुझे अपने घर ले जाएगी। वहाँ इज्जत से रहना। मेरे बापू को याद करके रोने की जरूरत नहीं है। और वापस तो आना ही मत, नहीं तो वापस भेज दूंगा। कुत्तों और कबूतरों ने आज तक कितनी ही रोमांटिक फिल्मों में मेन रोल निभाया है, और आज तेरी बारी है। चल दिखा दे अपना परफॉर्मेंस। और ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बस शादी तक। उसके बाद अपनी भाभी को लेकर वापस अपने घर आ जाना। दहेज में तुझे मांग लूंगा। बापू ने तुझे जितना खिलाया उसका पूरा हिसाब लेने का टाइम आ गया। तुम्हारी वफादारियों की तो मिसाल दी जाती है। आज तुझे उसे निभाने का मौका मिला है। जा बसंती, नहीं मेरी स्वीटी, दिखा दे अपना कमाल। सो क्यूट। किसका होगा ये? कोई दिखा नहीं दे रहा आसपास। तुम्हें तो डॉग्स बहुत पसंद है ना, तुम इसे घर ले जाओ। ले तो जाओ, पर ऐसे कैसे मैं किसी के डॉग। बहाने मत बनाओ, नहीं तो मैं अपने घर ले जाती। नहीं नहीं, इसे मैं ही ले जाऊंगी। क्या बात है बापू, माँ की याद आ रही है। मेरा छोटा सा बच्चा, मेरा स्ट्रेस बस्टर कोई चुरा कर ले गया। टेंशन मत लो बाबू, एक और ले आएंगे। मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, जैसे तुझे पाला था। सुबह से लेकर शाम तक मैं उसे अपने सीने से लगाए रखता था। उसे जो उठा कर ले गया है ना, उस कमीने के पापी और नीच के शरीर में बड़े बड़े कीड़े पड़े। बापू कुत्ता ही तो था, इतना गाली क्यों दे रहे। एक चोर को गाली देने से रोकता है, अब तो 100 गाली और दूंगा। बाप रे। एक काम कर, तू फौरन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दे कि हमारा एक छोटा सा बच्चा है तो खो गया। पापा पुलिस वाले इतनी जल्दी नहीं ढूंढेंगे, टाइम वेस्ट होगा। मैं हूँ ना आपका लाल, बस 3 महीने के अंदर उसे आपके सामने ले आऊंगा। तू एग्जैक्ट 3 महीने कैसे बोल सकता है। नहीं नहीं, हो सके तो जल्दी ले आऊंगा। करण मेरे बच्चे, तू उसे सच में ले आएगा ना? बहुत ही क्यूट कुत्ता है, लगता है आपको डॉग्स पसंद है। बहुत पसंद है। अरे मेरा दोस्त भी डॉग्स पर बहुत जान छिड़कता है। आप दोनों की चॉइस सेम टू सेम है। एक्चुअली ये डॉग मेरा नहीं है। ओ। मुझे सड़क पर मिला था, कहीं मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुम्हारे दोस्त है तो... ऐसी बात नहीं है, अगर उसे देना ही होता तो मैं हूँ ना मीडिएटर। मेरे बिना आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेगा। इस ट्रांसपोर्ट के बिना उसका पार्सल आपके पास पहुँच ही नहीं सकता। पर मुझे कुछ डाउट हो रहा है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ना वो आपसे डरता है। आपको जो कहना है मुझे बोलिए, मैं बोल दूंगा। तुमसे कैसे बोल सकती हूँ, प्यार तो वो मुझसे करता है ना। हाँ हाँ, प्यार तो वही करता है। तो बुलाओ उसे। हाँ बुलाता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है बालको, प्रेमी का किरदार निभाने का मौका आप में से किसी एक को मिलेगा। जीवन में कभी तो अच्छा काम करो। तुम्हें एक्टिंग का बहुत शौक है ना, तो आज अपनी परफॉर्मेंस खोल कर दिखा। वाह मेरे अजय देवगन, ऑस्कर के बाद भास्कर तू ही लेगा। आ जा इधर। मैं नहीं आ रहा हूँ। तू पुरुष नहीं महापुरुष है, एहसान तेरे अकाउंट में डाल दूंगा। पता नहीं क्या क्या बोलकर मुझे टोपी बनाई तूने इतनी बड़ी। अब मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला, मैं नहीं करूंगा। प्यार से मान जा, नहीं तो लात मारूंगा। कर ले तुझे जो करना है। अरे किसी लड़की के हाथों चप्पल खाने से तो अच्छा है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। तेरा प्रॉब्लम है तो निपट, मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो जाना ही पड़ेगा। क्या बोल रहा था, उस लड़की से सब कुछ पूछ ले, लिस्ट लेकर आ, आईडिया दे रहा था ना। चल जा जा जा, जा निपट ले। तुम ही हो वो जो मुझे दिलो जान से प्यार करता है, मेरे बिना जी नहीं सकता। हाँ मैडम। शक्ल देखी है आईने में, तुम्हें नहीं लगता तुमने
खुद ज्यादा ही हिम्मत कर दी। मानता हूँ मेरी शक्ल कोयले जैसी है पर दिल हीरे जैसा है, और ये ना दिल का मामला होता है जी, और मैं आपको दिल से चाहता हूँ। ओहो रियली? तो जरा पास तो आना। लगता है ये मुझे किस करने वाली है, मैंने तो आज ब्रश भी नहीं किया। छी, कोई बात नहीं, चांस मार लेता हूँ।